मैं बस संक्षेप में जवाब देना चाहती हूँ। व्यक्तिगत और लीचड़ बातें करना ही बीजेपी को आता है। मुझे तो मेरी पार्टी ने टिकट दे दिया था, जिस दिन आपको सभासदी का टिकट मिल जाए उस दिन हम लोग बहस करेंगे। यही उनका लीचड़पन है जो यहाँ पर भी प्रवक्ता के मुंह से दिख रहा है। मैं भी व्यक्तिगत हो जाऊँ तो बोलने लगू आपकी कुटाई हो गई थी, लीचड़गिरी मत करो। हम हरियाणा की बात तो करते हैं लेकिन हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं करते। भाई जम्मू कश्मीर के अंदर भी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, दावे बहुत बड़े वहां भी बड़े बड़े थे, तो अभी मैच 1-1 पे है। बोलो बोलो, तुम बोलो पहले भौंको तो फिर मैं बोलूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको मुबारकबाद, जैसे बीजेपी को मुबारकबाद हरियाणा के लिए। इंडिया गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बन रही है उसके लिए बधाई, लेकिन कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का फैसला क्यों किया है सुप्रिया, ये भी थोड़ा बताइए। आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब पहले दूंगी और उसके बाद कुछ यूपी पर कहना चाहती हूं तो जरूर कहूंगी। ऐसा था कि जब चुनाव हम वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे तो हमने बोला था कि हम स्टेटहुड दिलाकर रहेंगे, ये वादा प्रधानमंत्री जी ने भी किया था। तो हमें लगता है नैतिकता इसमें है कि जब स्टेटहुड मिल जाए तभी उस सरकार को ज्वाइन किया जाए। हमने एक रणनीतिक तौर पर और एक नीतिगत, जिसको कहते हैं मॉरल, फैसला लिया है कि जब स्टेटहुड मिल जाएगा तब हम उस सरकार को बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। हमारा वादा था कि पूर्ण स्टेटहुड का दर्जा मिले और हम आशान्वित है कि नरेंद्र मोदी जी भी अपना वादा पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर को उसकी अस्मिता लौटाएंगे। एक लाइन मेरे मन में आती है उत्तर प्रदेश को सुनकर, और वो लाइन है, हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम। प्रभु राम को भूलना नहीं चाहिए। अयोध्या क्या हारे बीजेपी वाले, श्री राम को ही बिसार दिया। एक व्यक्ति आपको इनका जय श्री राम कहता हुआ, जय सिया राम कहता हुआ नहीं दिखता। प्रभु राम से ही इनकी दुश्मनी हो गई। जिस राम के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जिस राम के नाम पर जीवन यापन करते हैं, उन्हीं को बिसार दिया। तो हिम्मत ना हारिए, आपको यूपी हारना है, हिम्मत नहीं हारनी है। आप भगवान को भी मत बिसारिए। मैं यहां पर एक चीज कहना चाहती हूं और वो आपके दर्शकों के लिए जाननी जरूरी है, थोड़ी सी टेक्निकल बात है। आपको पता है मिल्कीपुर का चुनाव क्यों नहीं हुआ? मिल्कीपुर का चुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गोरखनाथ जी ने एक याचिका डाली हुई है। उनकी याचिका क्या है? उनकी याचिका यह है, सबसे पहले तो देखिए, जब अवधेश प्रसाद जी ने रिजाइन कर दिया तो वो इनफ्रेक्चुअस हो जाता है। लेकिन चलिए अगर उस याचिका की भी सुनी जाए तो उस याचिका में यह लिखा है कि जो नोटरी, जिस नोटरी ने अवधेश प्रसाद जी के पेपर नोटराइज किए थे 22 में, उसका तब लाइसेंस नहीं था। अवधेश प्रसाद जी के पेपर में कोई कमी नहीं है, उनकी चुनाव प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है, नोटराइज करने वाले का लाइसेंस उस समय नहीं था। यह कोई ग्राउंड है चुनाव ना कराने का? अरे आपको पता है, हमें पता है, अयोध्या में आपकी फिर करारी हार होगी, आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन आपको यह सहना पड़ेगा। मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा फैसला किया और 240 पर लाकर इनको बैसाखियों के सहारे खड़ा किया। उत्तर प्रदेश की 43 इंडिया गठबंधन की सीट और इनकी जो 29 सीट ये हारे, उसने तय किया कि ये घटक दल की, ये गठबंधन की सरकार चलाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मेरा अभिवादन है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन ये सारे उपचुनाव स्वीप करने जा रहा है। पहले प्रदीप इसी का जवाब दीजिए, आपने भगवान श्री राम को छोड़ दिया लेकिन हिम्मत ना कह दीजिए, जय श्री राम का नारा लगा के एक बार जरूर कहना चाहता हूं, जय श्री राम का नारा लगा के आज दिखा दीजिए लाइव टीवी पर सुप्रिया को कि आपने छोड़ा नहीं है। मानक जी, हम सुबह भी जय श्री राम बोलते हैं, दोपहर को भी जय श्री राम बोलते हैं, रात को भी जय श्री राम बोलते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे लिए हमारी अस्तित्व है। अब वो 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले को कम से कम अपनी पार्टी से तो हटा दीजिए, जो अयोध्या के अंदर ही हुआ था। खैर देखिए, आपको सुप्रिया जी की उत्तर प्रदेश की समझ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। महराजगंज के अंदर इनके डिपॉजिट जब्त हुए थे। लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी 90% सीट्स के अंदर उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के अंदर जब प्रियंका वाड्रा ने कैंपेन किया था, डिपॉजिट जब्त हुए थे। समाजवादी पार्टी की बैसाखी के नाम पे सिंगल डिजिट वोट शेयर इनको मिला है। अगर इनमें सच में इतना उत्तर प्रदेश में कॉन्फिडेंस है तो अकेले लड़के देख लें, पता चल जाएगा जो हुआ था। अब मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ मानव जी। उत्तर प्रदेश में जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की लीडरशिप संभाली है, एक बार आप बताइए कि वो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव जीते?
तो मतलब यही हुआ कि जब पिछला उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का हुआ था, तो चुनाव हुए हाँ, तो दो चुनाव हुए, दोनों में हम जीते है ना। लोकसभा चुनाव के अंदर पिछली बार जो है हम लोगों ने स्वीप किया था, 2014 के अंदर भी हमने स्वीप किया था, 19 में भी स्वीप किया था, 24 के अंदर हमको कुछ फीडबैक मैकेनिज्म में हमको चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, जैसे हमने हरियाणा में इंप्रूव करी थी वैसे ही हम उत्तर प्रदेश के अंदर इंप्रूव कर देंगे, पॉइंट नंबर 1। पर कांग्रेस पार्टी को आज आपने देखा हश्र क्या हो गई। उमर अब्दुल्ला जिन्होंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था चुनाव में जीतने के बाद, उन्होंने क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज एन ऑनरेबल मैन, वी विल नॉट रिमूव आर्टिकल, वी विल नॉट गेट बैक आर्टिकल 370, ओनली फूलिश पीपल कैन थिंक दैट आर्टिकल 370 कैन कम बैक। और कांग्रेस पार्टी को क्या एक मंत्रालय दिया, एक मंत्रालय, यह है कांग्रेस पार्टी की आज अलायंस के अंदर हैसियत। क्या साजन जी किस तरीके से कह रहे कि हमें महाराष्ट्र में सीट दे दो, कांग्रेस तो बाहर से सपोर्ट कर दिया ना, वो तो कांग्रेस पार्टी प्लांट कर रही है मीडिया में कि भाई हम स्ट्रेटेजी के तहत कर रहे हैं, उनको दिया सिर्फ एक मंत्रालय इसीलिए। मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। तो यह कांग्रेस का अलायंस के अंदर स्थिति है, मुझे बताइए जैसे ही। सुप्रिया आपकी बारी है। मैं बस संक्षेप में जवाब देना चाहती हूँ। व्यक्तिगत और लीचड़ बातें करना ही बीजेपी को आता है। मुझे तो मेरी पार्टी ने टिकट दे दिया था, जिस दिन आपको सभासदी का टिकट मिल जाए उस दिन हम लोग बहस करेंगे। लेकिन क्योंकि बीजेपी अपना असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाएगी तो मैं इसी प्रोग्राम पर बोल देती हूँ। इनका एक बदिमाग मंत्री, उसका नाम है दिनेश प्रताप सिंह यूपी में, वो करारी हार उनकी हुई राहुल गांधी के हाथों, आज उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं, क्योंकि यही बीजेपी की असलियत है, यही उनका महिला विरोधी चेहरा है, यही उनका लीचड़पन है जो यहां पर भी प्रवक्ता के मुंह से दिख रहा है। मैं भी व्यक्तिगत हो जाऊं तो बोलने लगू आपकी कुटाई हो गई थी, आपको आपके साथी जर्नलिस्ट ने ही पीट दिया था क्योंकि आप नाच नाच कर क्या कर रहे थे सबको पता है। मैं व्यक्तिगत नहीं होंगी, मैं इसी पर पढ़ना चाहती हूँ और मैं एक शब्द जरूर बोलना चाहती हूँ। मानक जी, संजय निशान जी ने 2024 की हार यूपी के बाद क्या कहा था, बुलडोजर की वजह से हार गए। राजभर जी जो इनके घटक दल, उन्होंने क्या कहा था, योगी मोदी ने हरा दिया। संजय मिश्रा ने क्या कहा था, अगर यही स्थिति रही तो हम हर चुनाव यूपी में हारेंगे, इनके एमएलए हैं। मैं एक चीज यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं, 403 लोगों की विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश से आती हूं, डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करती हूं। 403 लोगों की विधानसभा का जो मुख्यमंत्री है उसको 2 सीटों का प्रभारी बनाया है। अरे इतना भीतर घात है कि ब्रजेश पाठक वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह, यूपी संभल नहीं रहा इनसे, एक दूसरे की काट करने पर लगे हुए हैं। सबको पता है यूपी में क्या हो रहा है, सबको पता है कैसे तख्ता पलट करने की तैयारी यहां से रची जा रही है। ये यूपी पर बोलेंगे, आप जितने भी व्यक्तिगत हो जाइए, आप जितने भी भर्ती की बातें करिए, यही आपका असली चाल चरित्र और चेहरा है, यही आपकी असलियत है। पर्सनल का ये पिस्तौल चली गई, ये पर्सनल चली गई जो पहले आज के दिन पत्रकारिता कर रही थी और कल कांग्रेस पार्टी का टिकट लेना शुरू कर दिया था विदाउट अ कूलिंग ऑफ पीरियड, जिनकी पार्टी के अंदर सब महिला विरोधी बयान करके छोड़ते हैं और ये विमेन वेटर को बात करती है, ये बात करेंगी कठुआ रेपिस्ट के पक्ष में, इनकी प्रियंका वाड्रा जो है वो जाके रैली करती है, बात करेंगी। इनका उत्तर प्रदेश में यही हश्र था, 2019 में जमानत जब्त हुई, 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अरे हम जब चुनाव लड़ेंगे हमारी पार्टी देगी देंगे, हम तो नॉर्मल से कार्यकर्ता है, पर आपके जैसे घमंडी नहीं है, आपके जैसे घमंडी नहीं है। 2019 के अंदर जमानत जब्त हो गई आपकी, 2024 के अंदर 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाई, चुनाव नहीं लड़ पाई, माफ मत करिए, वोट शेयर पार्टी ने सुप्रिया दिया, सिंगल डिजिट वोट शेयर पार्टी, और खुद को सिर्फ आए थे, खुद को आए थे सिर्फ 5%, तो समझिए थोड़ा सा जमीन चाहिए, महिलाओं की बात करिए, कठुआ लोगों को मत बात करिए, समझिया आशुतोष क्या लग रहा है आपको पहले मिल्कीपुरी? आशुतोष आपकी राय क्या है एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, आपको लगता है मिल्कीपुर में मतलब क्या कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा, लापरवाही रही, वरना आराम से वहां चुनाव हो सकता था? मानक मिल्कीपुर में कम्युनिकेशन गैप की बात क्यों करते हैं, देश का चुनाव, जब चुनाव आयोग जब कोई फैसला करता है तो सब कुछ होम जैसे कहते हैं ना इनपुट लेके होमवर्क करके करता है, ऐसे थोड़ी करता है। उसको इस बात की जानकारी तो थी ना कि मिल्कीपुर के अंदर एक पिटीशन है, जब इतनी जानकारी थी तो इसका मतलब ये जानकारी हफ्ते 10 दिन पहले रही होगी कम से कम, ऐसा तो नहीं लास्ट मिनट जानकारी आई होगी। तो जैसा आपने कहा एक पिटीशन दायर कर देते, कोर्ट को बता देते और वो मामला अपने आप इंफ्रक्चर हो जाता। महत्वपूर्ण जो जो सेल्फ गोल इलेक्शन कमीशन ने किया है, अब किसके कहने पे क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सेल्फ गोल किया है वो क्यों किया है? 2022 में एक पिटीशन दायर होती मिल्कीपुर को लेके, ठीक है,
जब तक वो आदमी एमएलए है तब तक तो ये बात सही समझ में आती है। जब वो एमएलए के पद से इस्तीफा दे देते हैं तो वो विधानसभा खाली हो जाती है। जब विधानसभा खाली हो जाती है तो संविधान के हिसाब से 6 महीने के अंदर वहां चुनाव होने चाहिए। आप अगर मान लीजिए कि वहां पे हाईकोर्ट कोई फैसला अगले 3 साल नहीं करता है तो क्या वो खाली रहेगी विधानसभा? क्या वो विधानसभा अनरिप्रेजेंटेड जाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अनरिप्रेजेंटेड जाएगी इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं संविधान का खुलेआम मजाक उड़ रहा है। तो अगर सुप्रीम को, अगर इलेक्शन कमीशन को किसी ने कहा कि वहां चुनाव नहीं कराना है, अगर तब फैसला करते तो गलत करते, और अगर इतनी सी बात उनको नहीं समझ में दी तो भी गलत करते। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में सेल्फ गोल किया है। अच्छा है कि जानकारी आ रही बाबा गोरखनाथ जो है उन्होंने पिटीशन वापस लेने का फैसला कर लिया, अन्यथा ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की, माफ करिए इलेक्शन कमीशन के इतिहास की एक बहुत बड़ी चूक के तौर पर इसको देखा जाए। ठीक है, अब इसके राजनीतिक अर्थ क्या है वो आप समझ लीजिए, बाकी हमारे जो दर्शक हैं और जो पैनलिस्ट हैं तो समझ ही रहे हैं। अच्छा, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का राजनीतिक महत्व जरा समझाइए हमारे दर्शकों के लिए। लोकसभा में हाल की अयोध्या की सीट ये बीजेपी हारी, उसके बाद ये सीट बचाना, ये वाली बचाना क्या, क्योंकि पिछली बार हारी हुई है बीजेपी, पर ये जीतना कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए आशुतोष? देखिए, ये अब राजनीति के अंदर चूंकि नैरेटिव बिल्डिंग खूब होने लगा है, हर चुनाव एक कोई आदमी एक चुनाव जीत जाता है तो उसके आधार पर वो लगता है जैसे कि सब कुछ मैंने जीत लिया, और एक हार जाए तो पता नहीं क्या क्या होता। मिल्कीपुर का महत्व तो सिर्फ इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि अयोध्या फैजाबाद की सीट हार गई, उसके बाद से ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भगवान राम ने आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया, आपने मंदिर बनाया लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मिल्कीपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार हार जाए या दूसरी बार हार जाए तो दिक्कत पैदा होती है। और माफ करिएगा, मिल्कीपुर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 17 बार में सिर्फ 3 बार बीजेपी अभी तक जीत पाई। इसका मतलब है कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी वहां पे उसको लगता है कमजोर है, हालांकि हर चुनाव अलग तरीके से होता है, उससे क्या टिप्पणी की जाए। तो फैजाबाद के बाद अगर मिल्कीपुर दोबारा हार जाते तो फिर नैरेटिव यही बनता कि आपका हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चल रहा है और भगवान राम जहां है वहीं पे आप बार बार शिकस्त खा रहे हैं। अच्छा ठीक है आशुतोष, आज जो तस्वीर आई है वहां श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला के ओथ सेरेमनी से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, आपको क्या लगता है क्या बात हुई होगी? क्योंकि दोस्ती उनकी बहुत पुरानी है लेकिन उसके बाद बीच में सुनते हैं कि संबंध थोड़े से खट्टे भी हुए थे, आज क्या बात हो रही है? देखिए, जहां दोस्ती होती है वहीं संबंध भी खट्टे होते हैं, दुश्मनों के बीच में तो संबंध खट्टे नहीं होते ना। देखिए, मैं लोकसभा चुनाव के पहले भी जब अखिलेश वखिलेश वाला मामला चला तब भी मैंने आपके चैनल पर यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से होगा, चिंता ना करे कोई। महाराष्ट्र के अंदर भी इंडिया गठबंधन के बीच में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से होगा, और उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं, जब हो सकता है 10 भी हो जाए, वहां भी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से होगा, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। लोकतंत्र के अंदर जब कोएलिशन पॉलिटिक्स में एक दूसरे को एक्यूज करना, एक दूसरे का खींचातानी करना, ये कोएलिशन पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार गई थी तो सारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों ने आके अखिलेश यादव और उनको योगी आदित्यनाथ को गले लगा लिया, तो गले मिलकर रोए थे कि बड़ी गलती हो गई। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक ने कहा था कि 40 साल में इतना भ्रष्टाचार मैंने नहीं देखा। तो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कोएलिशन में हो ना हो इस तरीके की खिंचातानी चलेगी, और जिनको लोकतंत्र की समझ नहीं है वही कोएलिशन पॉलिटिक्स में इस तरीके के आरोप लगा। ठीक है, एक एक सवाल और ये थोड़ा बड़ी तस्वीर खींचेगा इस पर, आपको लगता है आशुतोष हरियाणा जीतने के बाद जो लोकसभा में मोदी का बीजेपी का ग्राफ गिरा था वो कुछ हद तक बीजेपी ने, मोदी जी ने रिकवर कर लिया है कुछ हद तक, और ये जो विधानसभा चुनाव अब आ रहे हैं, यूपी के उपचुनाव आ रहे हैं, इसमें वो नई गति, नई ऊर्जा से, नए जोश से जाएंगे? मानक हम इसका उदाहरण, इसका जवाब हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक, निश्चित तौर पर हरियाणा जहां कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए था वहां कांग्रेस पार्टी हारी है, तो इसका मनोबल कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी पड़ेगा और इसका असर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के बाद उनको ये लग गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं नरेंद्र मोदी जी का जादू नहीं चल रहा, अब हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, हम हरियाणा की बात तो करते हैं लेकिन हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं करते। भाई, जम्मू कश्मीर के अंदर भी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, दावे बहुत बड़े वहां भी बड़े बड़े थे, तो अभी मैच 1-1 पे है। जो बेस्ट ऑफ 3 का लड़ाई होनी बाकी है, बेस्ट ऑफ 3 बल्कि बेस्ट ऑफ 5, क्योंकि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का झारखंड है, झारखंड में दिल्ली का चुनाव है। तो इन 5 चुनाव के नतीजे जब सामने आ जाएंगे तब ये किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान होगा कि भाई हुआ क्या, क्या वाकई में 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं पाई वो एक फ्लूक था या इसके पीछे कोई ट्रेंड या कोई पैटर्न नजर आ रहा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर महाराष्ट्र कहीं गलती से वो हार गए तो फिर जरूर यह नैरेटिव बनेगा कि बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र वो क्षेत्र है जहां सीएसडीएस के सर्वे के हिसाब से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राहुल गांधी से कम है, यही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर भी। ओके, सुप्रिया कुछ कहना चाह रही थी, और सुप्रिया क्या आपको ये 1-1 1-1 से बाजी 2 चुनाव की जो छूटी है,
आपको ये एनालिसिस मंजूर है कि हाँ अभी बराबरी है बिल्कुल, एक वो जीते एक हम जीते? मतलब कोई राजनीतिक रूप से नासमझ व्यक्ति ही होगा जो सिर्फ हरियाणा की बात करेगा और जम्मू कश्मीर की नहीं करेगा? हरियाणा में शपथ ग्रहण बाद में होगा, जम्मू कश्मीर में आज हुआ है और वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। वहां पर नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, जाकर उन्होंने 10 साल हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया वहां पर, और उसके बावजूद वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा, वहां पर लोगों का मताधिकार छीना गया, वहां पर एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया आजाद हिंदुस्तान में पहली बार, और लोगों ने खुलकर वोट किया, और आज नतीजा आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल वन ऑल है। आपको लगता है कि कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश कहकर बहुत बड़ी गलती की थी जिसका खामियाजा आपको एमपी में भुगतना पड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी नेता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और मैंने खुद राहुल जी को, खड़गे जी को, प्रियंका जी को बहुत ही आदर और सम्मान से अपने सारे घटक दलों के साथियों के साथ, इंक्लूडिंग अखिलेश जी के साथ, उठते बैठते बात करते देखा है। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि भाषा का चयन बिल्कुल सोच समझ के किया जाना चाहिए, मैं इसका फेवर नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जवाब बहुत सीधा है, ऐसा तो है नहीं कि राहुल जी और अखिलेश जी आज मौसम डिस्कस कर रहे होंगे जम्मू कश्मीर का। दो बड़े राजनेता हैं, जरूर राजनीति पर चर्चा कर रहे होंगे, जरूर महाराष्ट्र और यूपी दोनों पर चर्चा हुई होगी। एटलीस्ट हम लोग एक दूसरे को देखकर ये तो नहीं कह रहे भैया इनको देख के उल्टी आ रही, दम घुट रहा है। बीजेपी के घटक दल वाले जो शिंदे सेना वाले तानाजी सावंत है, वो अजीत दादा के लोगों के लिए ये कह रहे हैं। फडणवीस जी ने आज कह दिया है कि भैया मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा होगा, हम बनेंगे। वहां शिंदे जी कह रहे हैं मैं बनूंगा। इनके यहां हर जगह जो भीतरघात महाराष्ट्र से यूपी तक दिख रही है, उसका नतीजा भी आप देखिएगा। क्या आप कभी ये सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हो और उनको 2 सीट का इंचार्ज बना दिया जाए? कभी ऐसा हुआ? नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो चाहा वो किया, जिसको टिकट दिया, जिसको टिकट नहीं दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर योगी आदित्यनाथ जी को 10 में से 2 सीट का इंचार्ज बनाया गया है, इसका मतलब यह कि आने वाले दिनों में वहां काफी कुछ होने वाला है। ओके, प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। दोनों मुद्दों पर, योगी जी को 2 सीटों का प्रभारी बनाया और इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बीजेपी का, वो सबके सामने है। क्या इनको बोलूं मानक जी, इनको क्या, इनको ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता है ना हमको? इनको जनता ने बताई दिया कि इनकी राजनीति की समझ कैसे है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दूंगा कि इनको क्यों सीरियसली लेना चाहिए। अभी सुप्रिया जी ने क्या बोला कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, एक और फेक न्यूज इन्होंने फैलाई। देवेंद्र फडणवीस जी से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने बोला हमारे मुख्यमंत्री यहीं बैठे हैं, सिटिंग राइट हियर, जहाँ पे एकनाथ शिंदे जी बैठे थे। तो इनका काम ही है सुबह से शाम तक सोशल मीडिया टेलीविजन पे फेक न्यूज फैलाना। एक और बार मैंने इनको फैक्ट चेक कर दिया, इसीलिए ये लोग की जमानत जब्त होती, इसीलिए नवनीत राणा आपकी इतनी बौखला जाती है कि इनका सुबह से दोपहर तक शाम तक काम होता है। फेक न्यूज फैलाए भाजपा में, फेक न्यूज फैलाए, खुद की पार्टी में फेक न्यूज फैलाए, आसू में बिल्कुल नहीं। बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था। ना, आपको, आप मेरे नेता के बारे में झूठ नहीं फैला सकती हैं। आप अपने नेता के बारे में झूठ फैलाइए, आपको टिकट चाहिए कांग्रेस से, झूठ बोल के लीजिए। मेरे नेता के बारे में झूठ नहीं फैलाएंगे आप, सुप्रिया जी ने जी। ना सुप्रिया जी, ये ट्रोल वाली हरकत, ये ट्रोल वाली बातें मत करिए प्लीज। आप प्रूफ करिए अगर बोला ऐसा है, वरना आपको स्टेटमेंट वापस देने पड़ेंगे। आप एक रिस्पॉन्सिबल टेलीविजन चैनल पे पढ़ के आते हैं नानक जी। कांग्रेस पार्टी को खुश होना है, होने दीजिए। हम जम्मू कश्मीर में, हमारा वोट शेयर जो है सबसे ज्यादा है, एनसी से भी ज्यादा है, परंतु हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास रखते हैं। तो हरियाणा में भी बीजेपी कांग्रेस का आपका टक्कर नहीं जीते वो, आप वोट शेयर पे आएंगे तो हरियाणा में बाजी बराबरी पर छोड़ेंगे। 12% बढ़ा है। नहीं नहीं, देखिए मानक जी, मैं उनके जैसी शॉर्ट टर्म या बिल्कुल हल्की पॉलिटिकल बात नहीं कहता। मैं कह रहा हूं एनसी जीती है, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उमर अब्दुल्ला जी को कंग्रेचुलेट किया। परंतु मैं आपको जिस बता रहा हूं, हमारा ग्राफ बड़ा है, आज नहीं तो कल हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम किसी भी स्टेट पे, जम्मू कश्मीर के अंदर हम ट्राई करेंगे। वैली के अंदर हमारी कई अगले चुनाव में बनाएंगे, अगले चुनाव में हम अगले चुनाव में बनाएंगे। आप घबराइए, हम लोकतांत्रिक रूप से हर काम करेंगे। हमारी पार्टी में हर व्यक्ति कार्यकर्ता है, भले वो प्रधानमंत्री हो, पार्टी प्रेसिडेंट हो, होम मिनिस्टर हो, छोटा सा कार्यकर्ता। इनकी पार्टी परिवारवादी पार्टी, राजशाही पार्टी। इसीलिए इनको नहीं सुनना। नहीं, ये तो योगी जी के दिल से ही पूछेगा कि 403 लोगों की विधानसभा में 2 सीटों के इंचार्ज बने, कितना इनको योगी जी के दिल का बड़ा पता है। ये बड़ा बताएंगी मुझे नहीं बता। नहीं, आप बड़ा बताएंगी, आप बड़ा बताएंगी। हाँ, अब मैं बोलूं? बोलिए बोल लो, तुम बोल लो पहले, भौंको तो फिर मैं बोलूंगी, आप बोल लो पहले। अरे सुप्रिया जी, अपने संस्कार ट्रोल वाले मत बात करिए, नेशनल टीवी पे ट्रोल नहीं है आप, इससे आपको एक्स्ट्रा वोट नहीं मिलेंगे। थोड़ी भाषा का संयम रखिए।
लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल, उनको समझाइए थोड़ा, भाषा का संयम रखिए। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुआ, कश्मीर में जहां पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, ये अनंतनाग राजौरी से, बारामूला से, श्रीनगर से दुम दबाकर भाग गए, चुनाव तो लड़ नहीं पाई है, आधी जगहों पर कैंडिडेट खड़े नहीं कर पाई। ये बात कर रहे हैं राज्य में चुनाव सरकार बनाने की। अरे थोड़ी शर्म रखिए और माफी मांगिए जम्मू कश्मीर की जनता से। आजाद भारत में पहली बार आपने किसी से राज्य का दर्जा छीनकर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया है, और अगर दम है तो जरूर नरेंद्र मोदी जी को अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहिए। जम्मू कश्मीर का प्रदीप पूर्ण राज्य का दर्जा कब वापस आएगा? एलजी ने भी कहा, देखिए मानक जी, मैं सबको सुनाऊं, प्रदीप जी को सुना। देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक तो तारीफ मैं करूंगा कि गणित इन लोगों का बहुत अच्छा है। कौन कितनी बार झूठ बोला है इनको मालूम है, प्रधानमंत्री जी को मालूम है कितने हजार बार उनको गाली दी गई है। केवल गणित इनका एक जगह फेल हो जाता है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, इन पर। आपने इसे शुरुआती दौर में कहा जय श्री राम क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं। जब इनसे पूछो चंदा चोरी कहेंगे जय श्री राम, इनसे पूछो जमीन घोटाला जय श्री राम, महंगाई जय श्री राम, बेरोजगारी जय श्री राम। तो ये अपने सारे मतलब कुकर्म, पाप, भ्रष्टाचार, झूठ, जुमला छिपाने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। भगवान राम ने भी अब की तय कर लिया, जय इंडिया खत्म। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह कैसे रखिए, इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी, बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मेथो तेरा मन परे खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, ना 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 खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।